हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आई एम धर्मपाल फ्रॉम रोजर पब्लिक स्कूल जयती। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर्थ EBS का चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड द हनीबीज इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी ने शायद मधुमक्खियों का शहद खाया होगा ना? यस, खाया होगा, ज़रूर खाया होगा। तो चलिए इसमें अनीता और उसके द्वारा पाली गई मधुमक्खियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अनीता कौन है, कहाँ की रहने वाली है, ये सब जानेंगे हम इस चैप्टर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अनीता खुशवाह, मेरा नाम अनीता खुशवाह है, कहती है। आई लिव इन बुचाहा विलेज, मैं बुचाहा विलेज में रहती हूँ। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। जो खुशवाहा बुचाहा जगह है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के में है, जो बिहार में पड़ता है, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अनीता कहाँ रहती है? बुचाहा में, जो कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आई स्टे विथ माय पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर, मैं अपने मम्मी पापा और साथ में दो भाई बहनों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन, आई ऑल्सो कीप हनी बीज। मैं पढ़ाई करती हूँ और कॉलेज करती हूँ, साथ साथ ही पढ़ाई करने के साथ साथ ही मैं हनी बीज मधुमक्खियों को भी पालती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी, ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसान नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ मधुमक्खियों का पालन करना, ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसान नहीं था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान थी, यानी कि जवान थी, आई यूज टू स्पेंड माई टाइम विथ माई गोट्स एज ग्रेस्ट फॉर फूड। मैं अपना पूरा समय जो है, कहती है कि पूरा समय तो नहीं, मतलब अधिकांश तो समय वो बकरी, भेड़ बकरियों को चराने में बिताती थी, उन्हें मैं उनके लिए भोजन पानी लाना इत्यादि में बिताती थी। फिर भी वो अपनी स्टडी जारी रखती थी, सांस, ठीक है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जाना चाहती थी लेकिन मेरे मम्मी पापा सोचते थे कि लड़कियों का स्कूल जाना अच्छा या उचित नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। अ ड्रीम ऑफ स्कूल, स्कूल का स्वप्न। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज, आई कुड नॉट स्टे अवे, आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। एक दिन क्या होता है कि बच्ची अपने गांव के स्कूल में चुपके से जो है बच्चों के बीच में बैठ जाती है, ठीक है। आई फेल्ट सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हुई उस दिन जब वो चुपके से अपने स्कूल, गांव के स्कूल में बैठ जाती है बच्चों के बीच में। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप कॉर्ड्स टू टॉक माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। और जो है वो अपने आप को जो है नहीं रोक पाती है स्कूल के बारे में बताने से कि मैं स्कूल गई थी करके, ठीक है। क्या कहती है देखो आगे। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू दिस। सो वो कहते हैं, उनके मम्मी पापा कहते हैं कि लेकिन हम जो है तुम्हें साफ मना कर देते हैं स्कूल जाने से। दैट दे आई कैरीड एंड कैरीड। वन ऑफ द टीचर इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी। मेरे गांव के एक टीचर ने बताया मेरे पेरेंट्स को, कहती है लड़की, कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करके उनके माता पिता को समझाते हैं गांव के टीचर। द टीचर टोल्ड देम दैट एवरी वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अब टू क्लास 8। कहते हैं कि जो है क्लास 8 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, यहाँ तक के लिए जो है कोई भी पैसा पे नहीं किया जाता है या फीस नहीं ली जाती है। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। टीचर कहती है कि बच्चे का एक अधिकार होता है कि उसे यहाँ तक की पढ़ाई तो फ्री में होती है, यहाँ स्कूल जाना ही जाना होता है, बच्चे का अधिकार होता है। समहाउ माई पेरेंट्स एग्रीड
जैसे तैसे मेरे मम्मी पापा मान गए। आई स्टार्टेड टू गोइंग स्कूल, मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, मैं बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं लाती थी, बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चन, लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहती थी। नट्टी बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे लेकिन क्वेश्चन पूछते रहते थे, उनके दिमाग में जो है क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, वो पूछते रहती थी। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन योर वन ईयर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग। और इसमें आपको थिंग दे रखी है, आप कितने मनी स्पेंड करते हैं उसके बारे में डिटेल लिखना। ट्रेवल टू स्कूल एंड बैग, इसमें कितना स्पेंड होता है। नोटबुक में कितने स्पेंड करते हो आप मनी। ठीक है, पेन पेंसिल स्टेशनरी, ये सब आपको आपको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ट, टाइम बीतता गया। आई सून आई कंप्लीट माय फिफ्थ, इतने जल्दी जो है पांचवी क्लास पास कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन एजुकेशन सिक्स, वो जानती थी कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए जो है अब मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। माय पेरेंट्स सेड दैट इट वाज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, अभी समय आ गया है आप स्कूल छोड़ दीजिए, आपने पांचवी पास कर लिया है। बस पहले ज़माने में क्या होता था, लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था या स्कूल नहीं भेजा जाता था। ठीक है, अब बच्ची ने पास पास कर लिया था, अब उसके माय पेरेंट्स कहने लग गए कि आप स्कूल छोड़ दो। बट आई वांटेड टू स्टडी मोर, लेकिन लड़की जो है और अधिक और स्टडी करना चाहती थी, और अधिक पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मैंने एक रास्ता खोजा ऐसा करने के लिए। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मैंने जो है बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज, ओके, सोचती थी कि मुझे जो इस ट्यूशन से पैसा मिलेगा और उससे मैं अपनी फीस जमा करूँगी और अपनी स्टडी को जारी रखूँगी। वन स्वीट मेमोरी, आई रिमेंबर, मुझे याद है, सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज एल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन, मुझे याद है कि कुछ लड़के भी जो है मेरी तरह के लड़के भी जो है बच्चों को पढ़ाया करते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, वो ऐसा पसंद नहीं करते थे कि मैंने भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि मैं भी पढ़ाऊँ। दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्कैर द चिल्ड्रन, वो बच्चों को डरा धमकाया करते थे। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, इस कारण से जो है बच्चे मेरे पास नहीं आने लगे। फॉर सम टाइम्स ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू स्टॉप कमिंग टू मी, सभी बच्चों ने एक टाइम पर जो है मेरे पास आना बंद कर दिया। बट सून दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव और केयर, कुछ ही दिनों के बाद जो है सभी बच्चे मेरे पास आ गए क्योंकि मैं बच्चों को बहुत प्यार से और उनकी देखभाल से पढ़ाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन विलेज अबाउट सेंडिंग डियर डॉटर्स टू स्कूल, स्लोली स्लोली कहती है कि मैंने धीरे धीरे जो है गांव के और लोगों को भी उनके लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए उत्साहित किया। ठीक है, माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे काम में जो है सहायता करनी स्टार्ट कर दी। माई मदर यूज टू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, मेरी मम्मी जो है पूरे घर का काम में ज़्यादा काम करती थी जिससे मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँ। और सीक्रेट, एक सीक्रेट की बात बतानी चाहती है अनीता, देख लेते क्या है। आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल्स, आई डिड नॉट टेल एनीवंस, मैंने जो है छुपके से जो है मोटरसाइकिल चलाना भी सीख ली थी, मैंने किसी को भी नहीं बताया था। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी, कहती है कि मैं बहुत बार मोटरसाइकिल सीखने में गिरी भी थी लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने कुछ नया सीखा था।
चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी, इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।